यातायात पुलिस की इसी कवायद के तहत गुरुवार को यातायात निरीक्षक रीता सिंह मकरोनिया चौराहे का जायजा लेने पहुंची और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करवाने की कवायद शुरू की। शहर के उपनगर मकरोनिया क्षेत्र का मकरोनिया चौराहा शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। यहाँ से 5 महत्वपूर्ण मार्ग गुजरते हैं जिन पर वाहनों की रेलम पेल दिन भर बनी रहती है तथा यहां वाहन चालक परेशान होते रहते हैं, लेकिन अब इस चौराहे पर सिग्नल शुरू करवाने के साथ साथ डिवाइडर तथा स्टाफर लगाकर व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गई है। सागर से SN पटेल की रिपोर्ट। यहां पर जो चौराहा है मकरोनिया चौराहा, यहां पर यातायात व्यवस्थित करने के लिए यातायात थाने की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था कि इस चौराहे को व्यवस्थित किया जाए। इसमें यातायात DSP सर के निर्देश पर हम लोग सब लोग मिलकर यहाँ पर अभी क्या सिग्नल लगे हुए हैं जो उनको चालू कराकर बातचीत चल रही है, चालू कराकर उनको टाइम टू टाइम जो टाइमर होता है उनका उससे एडजस्ट करके यहाँ के चारों तरफ जो 4-5 रास्ते हैं उसको व्यवस्थित करेंगे और जो गाड़ियाँ पार्किंग को लेकर जो असुविधा होती है तो उनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग रोड स्टड और स्प्रिंग पोल इन सब का इस्तेमाल करेंगे और डिवाइडर के तौर पर हम स्टॉपर का उपयोग करेंगे ताकि मकरोनिया चौराहा जो मेरे ख्याल से यहाँ बहुत बड़ा चौराहा है जिसे व्यवस्थित होना चाहिए तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और यातायात व्यवस्थित। मैडम पहली बार आप निरीक्षक बने यातायात में, मैडम पहली बार सराहनीय कदम आपने उठाया, आपको क्या मकरोनिया चौराहे व्यवस्था कैसे लगा कि आपने इसको व्यवस्थित करी? अभी देखिए यहाँ पर जैसे रोटरी नहीं थी तो टेम्प्रेरी रोटरी के उससे भी होता और रैक चलते हैं तो काफ़ी बड़े वाहन भी निकलते हैं, बसें भी निकलती हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये चौराहा व्यवस्थित होना चाहिए इसलिए ये प्रक्रिया चल रही है। थैंक यू मैम।